आज हम जानेंगे सोमवार व्रत उद्यापन करने की सही विधि क्या है और कैसे करते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं अजीत यादव। सोमवार व्रत उद्यापन करने की विधि जानने से पहले, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को भी ज़रूर दबा दें, जिससे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए जान लेते हैं, व्रत शुरू करने के पहले जितने व्रत का संकल्प लेते हो उतना मनोवांछित इच्छा पूरी होने पर सोमवार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यदि सोमवार व्रत का उद्यापन श्रावण मास के प्रथम या तीसरे सोमवार को किया जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। सोमवार के उद्यापन के लिए सावन, कार्तिक, बैसाख, जेठ या मार्गशीर्ष मास के सभी सोमवार उत्तम माने जाते हैं। इस व्रत के उद्यापन में शिव पार्वती जी की पूजा के साथ चंद्रमा जी की भी पूजा करने का विधान है। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें, यदि हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें, पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। पूजा स्थल पर केले के चार खंभे के द्वारा चौकोर मंडप बनाएं, चारों ओर से फूल तथा आम के पत्तों से सजाएं। पूजा स्थल पर सभी सामग्री के साथ पूर्व की ओर मुख करके आसन लगाकर बैठ जाएं। चौकी या लकड़ी के पटरे को मंडप के बीच में रखें, चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं, उस पर शिव पार्वती के मूर्ति को स्थापित करें, उसे चौकी पर किसी पात्र में रखकर चंद्रमा जी की मूर्ति को भी स्थापित करें। फिर अपने आप को शुद्ध करने के लिए हाथ में जल लेकर मंत्र उच्चारण के साथ अपने ऊपर जल छिड़ककर पवित्रीकरण करके फिर पूजा शुरू करें। सोमवार व्रत उद्यापन करने के लिए पूजा की सामग्री: शिव पार्वती जी की मूर्ति, चंद्रदेव की मूर्ति अथवा चित्र, चौकी या लकड़ी का पटरा, अक्षत, पान, सुपारी, त्रिफल, यज्ञोपवीत हल्दी से रंगा हुआ, रोली, मौली, धूप, कपूर, रोई बत्ती, पंचामृत, कच्चा दूध, दही की, शहद एवं शर्करा मिला हुआ, छोटी इलायची, लौंग, पुष्पमाला, कटोरी, आचमनी, वस्त्र, लाल रंग, आरती के लिए थाली, मिट्टी का दीपक, कुशासन, कुल्हे, चौकी या लकड़ी का पटरा, केले के खंभे, केले का तना सहित पत्ता, केले का पत्ता, आम का पत्ता, हवन सामग्री आदि, ये सब पूजा की आवश्यक सामग्रियां हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।